हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्रेया सरकार। और गाइस, आज मैं गुड वाइब्स की एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क की रिव्यू आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। तो इसकी जो पैकेजिंग है वो एक ट्यूब के पैकेजिंग है, एंड इसमें पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, एंड इसमें मिनरल ऑयल भी नहीं है। तो इसकी जो नेट वॉल्यूम है गाइस, तो 100 ग्राम की है, एंड इसकी जो प्राइस है 249 रुपीज़, और ये आप लगभग 2 साल तक यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, चारकोल मास्क के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे स्किन पे, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिस्कस आप सभी से करना चाहूँगी। गाइस, चारकोल आपके स्किन के डर्ट को, ऑयल को दूर करता है, टॉक्सिन्स को अच्छी तरह से क्लीन करता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। गाइस, ये आपके स्किन क्लींजिंग का काम करता है, एक्सफोलिएट करता है, टोनिंग का भी काम करता है, एंड मॉइस्चराइजेशन भी प्रोवाइड करता है। और गाइस, इसकी एक ख़ास बात है, वो ये है कि ये आपके एक्ने प्रोन स्किन एंड एजिंग स्किन सेल्स को दूर करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, और आपको सॉफ्ट, स्मूथ, सपल एंड इवन टोन स्किन प्रोवाइड करता है। गाइस, आपके स्किन के अंदर जो डर्ट, टॉक्सिन्स, हेवी मेटल्स, केमिकल्स एंड अदर पॉइजन्स, यानी कि अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट अपने फेस पे करते हो, या फिर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, तो उसके जो पॉइजन्स होते हैं उसको भी ये चारकोल खींच के बाहर निकालने में मदद करता है। और आपके जो नोज़ के अराउंड एंड चिन के नीचे जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं, तो उनको भी ये अच्छी तरह से निकाल देता है। गाइस, अब मैं इसे अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो गाइस, जब आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करो, तो अपने माउथ के अराउंड, आइज़ के अराउंड, और आपके जो हेयर है, आपके हेयर्स में ना लगें, इस बात का आप थोड़ा ख्याल रखें। तो ये ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है, तो फिंगर से आप इसे अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई करें, ज़्यादा मोटी लेयर भी ना लगाएं और ज़्यादा पतली लेयर भी ना अप्लाई करें, मीडियम लेयर होनी चाहिए गाइस आपके फेस पे। तो इसे अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर लें, और सूख जाने के बाद मैं आप सभी से फिर मिलूँगी। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे हैंड पे अच्छी तरह से सूख गई है, और लगभग मुझे ये 20 से 25 मिनट लगे सूखने के लिए। तो मैं इसे अब धीरे धीरे उतार के दिखाती हूँ। अब ज़्यादा ज़ोर से ना उतारे, इसे धीरे धीरे पिलअप करें, और ये चारकोल आपके ब्लैक हेड्स को, वाइट हेड्स को दूर करेगा, और आपके फेस में जो छोटे छोटे फेशियल हेयर्स होते हैं उसको भी ये रिमूव करेगा। तो गाइस, अगर आप ब्लैक हेड्स को, वाइट हेड्स को रिमूव करना चाहते हो, तो फिर पहले आप अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लें, उसके बाद स्टीम ले लें। स्टीम लेने के बाद आप अगर इस पील ऑफ मास्क को अपने फेस पे अप्लाई करोगे, तो फिर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो है ज़्यादा निकलेंगे। और अगर आप ऐसे ही अपने फेस पर मतलब अप्लाई करोगे क्लीन करने के बाद फेस को, तो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स तो निकल लेंगे, लेकिन स्टीम करने के बाद जब आप इसे अप्लाई करोगे तो ज़्यादा निकलेंगे। तो गाइस, इसे उतारने के बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लें, एंड उसके बाद हल्की सी मॉइस्चराइज़र अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। सो गाइस, ये रहा मेरा आज का वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।